उमेश जी, हम लोग क्या जानने वाले हैं, वेलकम टू द शो अगेन। बहुत सारे लोग जो है ना जूझ रहे हैं अपनी कार की जो जजमेंट करने में, एग्जैक्टली ड्राइव करते टाइम आपको घबराहट होती है उस टाइम पे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सेफ ड्राइव इंडिया में। तो आज की एपिसोड में उमेश जी, हम लोग क्या जानने वाले हैं, वेलकम टू द शो अगेन। सब चाहते हैं आप कुछ टिप्स बता दो हमारे व्यूअर्स के लिए। बहुत सारे लोग जो है ना जूझ रहे हैं अपनी कार की जो जजमेंट करने में, कई लोग जो है अपनी जजमेंट, हाँ लेफ्ट साइड की जो जजमेंट लेने में जूझ रहे हैं, और कुछ लोग जो है ना अपनी ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जब आती है ना तब उनको बहुत सारी तकलीफ हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अपनी व्यूअर्स को कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल के देंगे तो उनके लिए बहुत मतलब हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है? जरूर, जरूर। तो वैसे फर्स्ट चीज हमें क्या करना चाहिए, आप हमें थोड़ी सी बता देंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, लेफ्ट का जजमेंट लेते टाइम पहली पॉइंट जो है, ओके, आपकी जो कार की बम्पर की जो विड्थ रहता है ना, डायमेंशन, ओके, उसके बारे में जान लेना चाहिए। ओके, वो बहुत जरूरी है। ओके फाइन, क्योंकि आप राइट साइड पे बैठे रहते हैं, आपको लेफ्ट साइड का जजमेंट पता नहीं रहता है आपको, एग्जैक्टली ड्राइव करते टाइम आपको घबराहट होती है उस टाइम पे। करेक्ट, तब आपकी जो इसकी जो लेंथ आपके बारे में आपको जानकारी रहता है तो आपको जजमेंट करने में बहुत आसानी हो जाती है। ओके, सेकंड स्टेप आते हैं यहाँ पर, आपकी कार की जो व्हील्स यहाँ पर आप देख सकते हो, लेफ्ट वाली जो व्हील है कहाँ पर है, आप ड्राइविंग सीट के ऊपर जजमेंट करने के लिए थोड़ी सी तकलीफ करती है एज अ बिगिनिंग स्टेज के ऊपर। ओके, तो आपको वो किस तरह से आपको जज करनी है, आपकी लेफ्ट टायर कहाँ पे है करके आपको मैं एक यहाँ पर टिप देना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, और लेफ्ट वाली जो पिलर है ना, ये जो लेफ्ट वाली जो पिलर जो क्रॉस करती है आपकी गाड़ी के अंदर, ड्राइविंग कैबिन के अंदर आपको दिखती है वो, ठीक उसके नीचे ही आपकी जो फ्रंट लेफ्ट व्हील जो है वो भी मौजूद रहती है, और उसके साथ साथ भी आपकी गाड़ी की जो लेफ्ट साइड वाली जो पोर्शन है वो भी इसके साथ ही आपको मैच करती हुई रहती है। अगर आप चल रहे हो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर तो आपको रेफरेंस करनी होती है आपकी लेफ्ट साइड की जो पिलर है उसको आपको रेफरेंस करनी होती है, जैसे कि ठीक आपको अपनी राइट साइड पिलर का भी ध्यान रखनी होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपके लिए दिखा लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप इंटरनली भी ड्राइविंग सीट के अंदर ये जजमेंट लेंगे ना, इसके ठीक नीचे ही आपकी जो राइट फ्रंट व्हील यहाँ पर मौजूद रहती है। उमेश जी क्या बोलते हो आप? जी सही है, सही बात है। हाँ, एक बार आप ड्राइवर सीट के ऊपर बैठ के डेमो दिखा दीजिए, सब डेमो दिखा लेंगे, ठीक है? तो व्यूअर्स को थोड़ी सी हम डेमोस्ट्रेशन कर लेते हैं, उनको भी आसानी होती है। चलिए एक बार हम डेमोस्ट्रेशन दिखा लेते हैं। चलिए राम ओके। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारे जो उमेश जी है वो खड़े हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़े हो, सॉरी फॉर द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक और हिंट मैं यहाँ पर आपके लिए दिखाना चाहता हूँ, ये जो सेंटर पॉइंट है ना ये भी मैच करती है आपकी लेफ्ट साइड की जो जजमेंट करने में। अगर एक कॉर्नर जाके इस मतलब उमेश जी को टच करती है ना, तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी की जो लेफ्ट वाली जो पोर्शन है वो भी उसको टच करती है। चलिए मैं आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेशन ही करके दिखा लेता हूँ यहाँ पर। चलिए एक बार आपको लेफ्ट साइड की जो जजमेंट है परफेक्ट ही बना लेती है, आपको तकलीफ ही ना हो, ऐसे हम आपके लिए ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करनी पड़ेगी इस तरह के वीडियोस के लिए। ओके, तो देखिए अभी देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मैं रिवर्स करता हूं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो जाए। यहाँ पर मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए जहां जहां ये सेंटर पॉइंट मूव करेगी वहां वहां आपकी गाड़ी की जो लेफ्ट साइड की जो पोर्शन है वो भी ट्रैवल करेगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सेंटर पॉइंट जो है ना, सेंटर पॉइंट अगर मैं इसको लेके थोड़ी सी स्टीयरिंग घुमाऊंगा, अगर ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर देखिए वो उमेश जी को मैच कर रही है, अगर मैं ऐसे ही चला जाऊंगा ना तो डेफिनेटली उमेश जी को जाके अपनी कार जो है टक्कर दे सकती है। यहाँ पर देखिए डेफिनेटली उनके पास ही आ चुकी है, क्योंकि ये देखिए आपकी जो ये ड्राइवर हेड है, ओके, ये देखिए इस जो पॉइंट है उसको मैच कर रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो पिलर है आपको मैच करनी होती है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी रिवर्स कर लेता हूँ गाड़ी को, यहाँ पर देखिए, ठीक है? अभी देखिए ये जो पिलर है ये भी उसको मैच करेगी। आप जहां जहां ये पिलर जाएगी वहां वहां उस ऑब्जेक्ट को जाके ये टच होने के चांसेस रहते हैं। तो मतलब रेफरेंस के लिए दोस्तों, अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक कर रहे हो, ये पिलर और ये सेंटर पॉइंट आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, और राइट साइड का भी पिलर जो है ना ये भी बहुत काम का है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। सिर्फ यहां से लेके यहां तक आपको गाड़ी की जजमेंट लेनी होती है, क्योंकि आपको जजमेंट लेने में बहुत आसानी हो जाए, ये प्रॉपर टेक्निक है। अब देखिए यहाँ पर मैं ट्रैवल करता हूँ, इस पॉइंट को मैं ऑब्जेक्ट के साथ मिस करूंगा, यहाँ पर देखिए मैं मिस कर रहा हूँ, स्टेयरिंग व्हील घुमा रहा हूँ, ये देखिए मिस कर रहा हूँ, इसका मतलब है 100% मैं उसको टच नहीं करूंगा, ऑब्जेक्ट जो है मिस हो जाती है, ठीक है ना उमेश जी? आपको मैं टच नहीं करने वाला, नहीं नहीं ठीक है, ये पॉइंट मिस हो रही है तो उनको भी वो भी मिस हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पिलर जो है वो भी मिस कर रही है, तो इसका मतलब है आपकी कार जो है आसानी से पास होने वाली है। एक फुट का गैप है, जो एक फुट का गैप है, हाँ देखिए एक फुट का जो गैप बच चुकी है। तो इस तरह से आपको अपनी गाड़ी की जजमेंट लेनी होती है।